बेचने वाले। परिचय। हरी शंकर परसाई का जन्म जमानी गांव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, छिछुड़ता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य लेख संग्रह। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। सारांश। प्रस्तुत पाठ से हमने सीखा।